40 दिन के लिए जलधारा के बीच बैठे संत योगी महात्मा सुभाष नाथ जी महाराज जन कल्याण के लिए की जा रही है हठ योग तपस्या। देखे क्या कहते हैं संत योगी सुभाष नाथ जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया सोनीपत हरियाणा में। और यहाँ पर हमारे साथ में महाराज जी हैं सुभाष नाथ जी। और सुभाष नाथ जी आज से जलधारा की तपस्या करेंगे। और जलधारा की तपस्या करने के लिए आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे हो जाए मैं कहूँगा। और यहाँ पर ये ऊपर जो है मटका रखा गया है। और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ भगवान ओम को बैठाया गया है। और ओम को बैठाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे यहाँ ये मटके रखे गए हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, ये मटके रखे, थोड़ा सा आप साइड दे दो। ये मटके रखे हुए हैं, इन्हीं मटकों का जल जो है इस मटके के अंदर डाला जाएगा ऊपर से। और तकरीबन कितने 108 मटके बताए जा रहे हैं, 108 मटकों का जल जो है जब तक इसके अंदर संपूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक वो जलधार चलती रहेगी। और ये निरंतर कितने दिन चलेगा और वो अभी महाराज जी से जानेंगे। और कितने वर्ष हो गए हैं इनको तपस्या करते हुए, और इसके अलावा और कौन कौन सी तपस्या की गई है। महाराज जी एक मिनट थोड़ा सा हाजिर आ जाइए, एक तो आप पूरा परिचय दे दीजिए और कौन सी जगह है थोड़ा सा वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं सुभाष योगी जी, बालाजी मंदिर और जी सोनीपत के अंदर है हरियाणा। बाकी 8-7 साल से तपस्या चल रही है, जलधारा है जी, खड़ी तपस्या भी करी है, बाकी अग्नि की भी है। तकरीबन तपस्या कर ही रहे हैं हर साल और ये तपस्या। ये कितने साल ये जलधार की जो तपस्या है, ये अपनी चौथी जलधारा है, चौथी साल है जलधारा को। बाकी तकरीबन चलती रहती है, साल में एक दो चलती रहती है। रही बात अब ये जन जो अपनी है आज से स्टार्ट की गई है, तारीख आज 4 तारीख है दिसंबर, और 14 जनवरी को अपना भंडारा का आयोजन होगा। सभी साथ संगत मिलकर इस भंडारे को कर रही है। इस खुशी में सबकी अपना एक सलाम एक मत से होकर जलधारा की तैयारी भी स्टेम खड़े हैं। अच्छा, मैं जो है ना जो पानी है ये जैसे जल है, ये जल कैसा है, ठंडा है गर्म है, किस तरह का है? इस जल की है 5 मटके से ये जलधारा स्टार्ट होगी, उसके बाद कल सुबह 11 मटके होंगे, उसके बाद दो तीन रोज बढ़ते रहेंगे, ऐसे 41 दिन तक 108 मटके की पूरी अवधि होगी। और इस मटके के जल को शाम को भर दिया जाएगा, सुबह फिर आराम से एक एक मटका करके जो भी नीचे भक्तजन बैठेगा उसके ऊपर डाला जाएगा। तो शाम को होगी, सुबह होगी? सुबह 4:15 बजे का टाइम होगा इसका, सुबह। राइट, ये आज शाम से शुरू हो रही है। अभी आज गुरु पुष्प योग नक्षत्र बन रहा है इसलिए आज से स्टार्ट की गई है, और मकर संक्रांति 14 तारीख को ये संपन्न भंडारे के साथ हो जाएगी जी। महाराज जी, क्या ये जल जो आप डाल रहे हैं जो 108 मटके आप बता रहे हैं इनसे मतलब सर्दी नहीं लगती आपको, ठंडे लगती? नहीं, जो कोई भी भगत परमात्मा के नाम पर बैठता है तो उसको ठंड गर्मी सर्दी महसूस नहीं होती, ये तो उसकी परमात्मा की देन है। तो मांगते क्या हो आप लोग इतने तपस्या कर? परमात्मा की भक्ति मांगते हैं और कुछ नहीं, बस सब समाज का भला हो और परमात्मा के दर्शन देता हो। चलिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं महाराज जी का कहना है कि ये जो जलधार की जो तपस्या है वो जल कल्याण के लिए और सिर्फ भक्ति भाव भगवान के भजन करने के लिए ये तपस्या की जा रही है। और इससे जन का कल्याण होता है, क्योंकि जो तपस्या करते हैं उससे भगवान उस समय वहाँ पर वास करते हैं। भगवान तो हर जगह कण कण में मौजूद हैं, लेकिन एक जब भगत जिस तरह से कहते हैं कि जब भक्त प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे तो जिस समय भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे तो चाहे उनको फिर पहाड़ से गिरा देते थे, चाहे उनको अग्नि में डाल देते थे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता था। वही कारण है कि महाराज जी आज जल के धार के नीचे बैठेंगे और जल की धार से ही यहाँ पर तपस्या आरंभ होगी और उसी पर संपूर्ण होगी। और ये जल की धार आज से आरंभ हो रही है और मकर संक्रांति तक ये जल की धार चलेगी, जो सुबह 4 बजे के करीब जो है 4:15 बजे करीब ये आरंभ होगी, और जब तक 108 मटके संपूर्ण नहीं हो जाएंगे तब तक ये जलधार चलती रहेगी। और हमें तो सही पूछिए तो ये सोचकर भी जो है सर्दी लग रही है कि इतना ठंडा पानी जो है कहना वही मटके का, हम ऐसा गिलास में पानी रखा हो उसे पी नहीं सकते ठंडा पानी, लेकिन यहाँ 108 मटके जब जल के धार के ऊपर से गिरेंगे तो आप सोचिए कितनी ठंड लगेगी। तो मुझे तो शायद रजाई लेके बैठना पड़ेगा यहाँ पे उसको कवरेज करने के लिए। तो आप दर्शक जो देख रहे हैं वो ऐसी कोशिश ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि इस ठंड से वो काँप कर अपनी तबीयत बिगाड़ ले तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं अब महाराज जी किस तरह से, और यहाँ सेवादार जो है उनसे थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। एक बार नाम क्या है आपका? सुदेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? नौतारा नगर से। कितने साल हो गए महाराज जी से जुड़े हुए? 4 साल हो गए।
चार साल से, तो क्या आप लोगों ने भी कभी तो ये करने की कोशिश की जलदारी? और हमारे बस की नहीं है, हम तो सेवादार हैं। अच्छा, तो महाराज जी जब बैठते हैं तो आपने कभी मना नहीं किया महाराज जी ठंड का मौसम है ठंडी लग जाएगी? तो नोचा लगातार करते रहे 80 साल तक। अच्छा, ये मतलब जबरदस्ती मतलब जो है, तो आप यही चाह रहे हो कि गुरु जी जो है ब्रह्म में घुसे रहे? हाँ हैं, जितना घुसेंगे उतना आगे जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, ये मन की भक्ति की बातें हैं कि वो इस बात को चाहते हैं कि महाराज जी से करते रहें। और भाई नीचे बैठो थोड़ा सा, आप क्या नाम है आपका? सुभाष जी। कहाँ से आए हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत से जी। तो महाराज जी के साथ जुड़े कितना समय हो गया? 6 साल हो गए। तो क्या कुछ मतलब जो है यहाँ पे ऐसा क्या है जो आप लोग जो है जुड़े बराबर जुड़े चले जा रहे हैं? सबका भला करते हैं और जी जलधारा करते हैं, तपस्या करते हैं, उसमें जो है यही दुआ मांगते हैं मेरे हाथ से सबका भला होए। इस चीज के लिए हम इन्हन की सेवा पानी के लिए हम तैयार रहते। चलिए, बहुत बढ़िया। भाई क्या नाम आपका? इधर आओ थोड़ा सा, आप इधर हो जाओ। राजकुमार जी। कहाँ से आए राजकुमार जी? अहमदपुर से। ये कहाँ पे हुआ? ये भालगढ़ रोड पे है जी। भालगढ़ रोड पे। तो आप लोग जब यहाँ आते हैं तो किस तरह का क्या हो रहता है? यहाँ आते हैं जी, अपने श्रद्धा समान आते हैं यहाँ, मतलब ये है कि अपने सेवा करने के लिए आते हैं। तो महाराज जी जब जिस टाइम तप ये है जल की धार के बीच में बैठते हैं, तो उस टाइम आपके मन में नहीं लगता कि महाराज जी को ठंड लग जाएगी, ऐसा कुछ लगता नहीं आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसकी प्रभु की भक्ति होती है ना, तो अपने आप ही परमात्मा ऑटोमेटिक शक्ति दे देता है। तो आपने भी कभी करने की कोशिश की है? नहीं, हमने करने की कोशिश नहीं, हम तो सेवादार हैं जी। अच्छा, आपको ठंड लग रही है, आपने इतने सारे पहन रखे हैं, 1, 2, 3, 4 छः कपड़े पहनकर, अब आप देख रहे हैं 6 कपड़े पहनकर और ठंडा पानी जो है महाराज जी के ऊपर डालेंगे। ये आप सोचिए कि इनको इतनी ठंड लग रही है तो महाराज जी को कपाने के लिए बैठे हुए हैं। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। चलिए और भी जान लेते हैं, और कुछ दर्शक हैं यहाँ पे, और महिला भक्तों से जानते हो कितने समय से महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, और क्या कुछ शक्ति है यहाँ पर ऐसी जो उनको जोड़ कर रखे हुए है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सोनीपत देवडू रोड से। तो आप जो महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या शक्ति है ऐसी यहाँ पे? यह गुरु गोरखनाथ बाबा की शक्ति है और बालाजी महाराज की शक्ति है, साथ में मैया जी भी हैं, उनके आशीर्वाद से ये शक्तियाँ चल रही। तो महाराज जी का कैसे व्यवहार है? बहुत अच्छा व्यवहार है, सबको अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तो यहाँ पर अब जो आपने कहा है बच्चों की तरह रखते हैं, तो आप भी उनको जो है माता पिता समझते होंगे? हाँ, बिल्कुल। तो आप आपके माता पिता जो है क्या नाम, बैठेंगे जल की धार में? हाँ, तो आप लोगों को लगता नहीं कि भाई ठंडा पानी हमको परेशान हो जाएगा? लगता है जी। फिर मना नहीं करते आप लोग? जग कल्याण, हमारे कल्याण के लिए, अपने भक्तों के लिए कल्याण के लिए भी ये तपस्या कर रहे हैं। भगवान पे विश्वास है? हाँ जी, पूरा, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और क्या नाम, ये जानते हैं इनसे भी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संगीता है और हम नरेला से आए हैं। क्या करते हैं आप लोग? सर, हम आए हैं गुरुजी की सेवा के लिए, और हमारे गुरुजी हमारे उद्धार के लिए, हमारे दुखों के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, तो हम उनकी सेवा में रहकर उनका रखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और भी हैं यहाँ पे, आप इधर आइए आगे। क्या नाम है आपका? सविता। कहाँ से आए हैं आप? यस, चार मंडले से। कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? 1.5 साल हो गया। क्या है यहाँ पे ऐसा जो आप लोग जो है जुड़े चले आ रहे हैं? यहाँ पे भक्ति है, ऐसी मन की शांति मिलती है। अच्छा, हमारे गुरु जी जो है ज्ञान की बातें बताते हैं हमारे कल्याण के लिए, भाई सबका उद्धार हो, बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है। तो व्यवहार कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है, बच्चों की तरह जी? बच्चों की तरह करते हैं व्यवहार। अच्छा, बच्चों की तरह रखते हैं। अब ये जो बैठते हैं यहाँ पे, आपको कितना समय देखते हो? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। तो इसमें दो दफ़ा देख चुके हैं? दो दफ़ा, दूसरी बार आज। तो फिर आपको लगता नहीं कि महाराज जी को इसमें ठंडे का मौसम है रुकना चाहिए? लगता है, लेकिन वो जन कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं और तपस्या करें तो हम इनके चरणों से जुड़े रहें, हमारा भी उद्धार हो। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और अब चलिए दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि जल की धार किस तरह से, क्योंकि सभी भक्तों का एक ही कहना है कि वो अपने लिए नहीं कर रहे, वो जग कल्याण के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम जुड़े हुए हैं। और जब भक्ति भाव की गंगा बहती है तो भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो चलिए, हमारे दर्शक बने रहिए हमारे साथ में और देखिए जल की धार किस तरह से चलती है। भगवान की सत्य विश्वरे नियम भर्गो देवस्वी मई योग सत्य विश्वरे
बोलो बाबा बाला जी की जय हो।